हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको मेरी वीडियो नज़र आ गई तो सबसे पहले आपने जो काम करना है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद बेल आइकन पर क्लिक करना, और उसके बाद आपने वीडियो को लाइक करना। अगर आप सबने ये लाइक शेयर कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो आज की मेरी वीडियो है कि मैं अपने पैरट को हैंड फीड क्यों करवाती हूँ, हालांकि उसकी जो काफ़ी पुरानी वीडियो है उसमें उसके पेरेंट से फीड करवाते हैं, क्योंकि ये पूरे 22 दिन का हो चुका है। जितने भी ये जैसे 19 से लेके 22 दिनों तक ये होना स्टार्ट हुआ, तो उसके पेरेंट्स की फीड बिल्कुल बंद कर दी है, क्योंकि जिस तरह का सीज़न है, मौसम ठंड का है, तो इसकी जो फीमेल मामा है, पैरट है, उसने अगले करने होते हैं। लेकिन अक्सर वो कहती है ना, हाउस में जो उनका हाउस होता है, घर टाइप बना होता है, बॉक्स होता है, उसके अंदर ये ना बेबी पैरट बैठा होता है, जिसकी वजह से फीमेल पैरट अगले नहीं कर सकती है, तो हम सबको ही पता है। सो हमने फिर जैसे इसको बाहर निकाला, उसके पेरेंट्स को फीड करवाना बिल्कुल बंद कर दिया, और बहुत चीखता था वो उससे। तो फिर एक दिन मैंने ज़बरदस्ती से फीड करवानी शुरू की, लेकिन इसने नहीं खाई। आहिस्ता आहिस्ता 2-3-4 दिन इस तरह करते गए, तो फिर इसने खाना खाना जो सीरीलैक वगैरह जो हैंड फीड मैं से देती थी वो खानी स्टार्ट की इसने, क्योंकि इसके पेरेंट ने अभी इसे टोटली छोड़ दिया था, वो इसको नहीं खिलाते थे। लेकिन कभी जब ज़्यादा इसको भूख लगती थी, ज़्यादा ये चीखता था, तो फिर इसके पेरेंट कभी कभार हला दिया करते थे, लेकिन अक्सर उकार इसको कभी नहीं, मतलब नहीं खिलाते थे। फिर हमें मजबूरन खिलाना पड़ता था सीरीलैक, और ये कभी खाता भी नहीं था। इसका ये हिसाब है कि थोड़ा सा सीरीलैक खाता था और फिर कहता था मुझे पिंजरे में छोड़ दो, और जैसे ही पिंजरे में छोड़ते थे इसके पेरेंट्स इसे नहीं खिलाते थे। फिर हमें ज़बरदस्ती दोबारा इसको खिलाना पड़ता था, ताकि कमज़ोर ना हो, इसकी सेहत पे कोई असर ना पड़े, क्योंकि जो कॉकटेल पैरेट होते हैं वो अपनी उम्र से ज़्यादा बड़े लगने लगते हैं, और ये काफ़ी जल्दी माशाल्लाह से ग्रोथ किया है, और बहुत प्यारा माशाल्लाह से ये लग रहा है। और जिस तरह की इसकी ग्रोथ हुई है, डेली को इसको खिलाना, इसके साथ खेलना, टाइम स्पेंड करना, ये एक पैरेट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम ये इस लिहाज से ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपने इसके साथ खेलना है, उसके साथ टाइम स्पेंड करना है, आप ये चाहते हैं कि वो आपके पास है और किसी के पास ना जाए, क्योंकि जो भी कोई जो एनिमल लवर्स होते हैं ना, उनका यही हिसाब होता है कि पेट हमारे पास है, हमसे प्यार करे। सो उसका मेन रीज़न यही है कि उसके साथ टाइम स्पेंड किया जाए, उसकी केयर की जाए अच्छे तरीके से, उसको खाना खिलाया जाए, ताकि उसको आपका पता लगे कि हाँ, ये मुझे हैंड फीड करवाता है, खेल कर मेरे साथ टाइम स्पेंड करता है। और ये मेन रीज़न है कि मुझे एनिमल बहुत पसंद है, क्योंकि लिटरली ये इस तरह इनोसेंट क्रिएचर होते हैं कि मतलब ना कोई आपको धोखा वगैरह इस तरह कुछ भी नहीं होता, मतलब जिस दिन जितना आप प्यार उन्हें देते हैं उससे कहीं ज़्यादा वो आपको रिटर्न करते हैं। सो इसलिए मुझे एनिमल्स बहुत ज़्यादा पसंद है। होप कि आपको भी बहुत पसंद हो। अगर आपको मेरी वीडियो लाइक अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।